हेलो एवरीवन, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आप सभी को स्वागत है मेरे और एक न्यू अनदर वीडियो में। तो फाइनली बहुत दिन बाद मैं घर आया, आफ्टर 2 मंथ पर मैं घर आया। तो घर आने के बाद मुझे मेरा टाइगर को देखने के लिए बहुत दिल उतावला हो रहा है। तो आज मैं सोच रहा हूँ चलो टाइगर को मैं भी मिल लेता हूँ, आप सभी को भी मिला देता हूँ। तो टाइगर को बहुत दिन नहीं दिखा ना, तो अच्छा नहीं लग रहा है। टाइगर का थोड़ा भी काम ही बाकी है। तो टाइगर के मैं 2 मंथ पहले रख के गया था, टाइगर का थोड़ा काम, टायर का थोड़ा काम था थोड़ा, और उसका हुड का भी थोड़ा ख़राब हो गया, उसको हुड का भी सही करना पड़ेगा। तो आज वो नहीं होगा। तो 2 दिन बाद दुर्गा पूजा है, दुर्गा पूजा बाद मैं ट्रैक्टर का फुल काम करूँगा और थोड़ा मॉडिफिकेशन भी करूँगा। तो करने के बाद ट्रैक्टर को तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग का सीजन भी आ रहा है ट्रैक्टर का, आलू लगाने का। तो इसलिए ट्रैक्टर को पूरा एकदम सही करके और थोड़ा दो एक मॉडिफाई करके ट्रैक्टर को रेडी करके हम सीजन में लगा देंगे काम में। तो चलो अभी मैं तुमको मेरा रेड टायर को दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ट्रैक्टर का कौन सा जगह थोड़ा ख़राब हुआ है। तो चलो देखते हैं वीडियो पहले। फाइनली मेरा रेड टायर को मैं मिल लिया, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अभी सबको लेकर आया हूँ। इसका एक्चुअली प्रॉब्लम का है, इसका जो पाँव में देखो 4 सिलेंडर के, इसका पाम को भी थोड़ा ख़राब हो गया है, और इसका देखो इसका टायरन पूरी तरह खिस गया है। इसको अभी चेंज करना पड़ेगा। ऐसे मैं देसी जुगाड़ लगा के ट्रैक्टर को चला रहा हूँ। तो ट्रैक्टर देखो भाई, ट्रैक्टर को आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये ट्रैक्टर 5 साल का है। ट्रैक्टर एकदम चकचका, क्या बोले भाई, महिंद्रा ट्रैक्टर का पावर ही कुछ अलग है। देखो तो अभी ट्रैक्टर को स्टार्ट कर दिया, तो मैं थोड़ा चेक कर रहा हूँ कि ट्रैक्टर पहले जैसे है या और कुछ प्रॉब्लम है। इसके बाद मैं देखूँगा कि ट्रैक्टर का कौन सा प्रॉब्लम है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है और तो अच्छा है, नहीं तो भाई बहुत नुकसान हो जाएगा। तो चलो देखते हैं ट्रैक्टर का क्या क्या अच्छा है।